हाँ, मैंने टाटा मोटर में भी लिया है, 100 शेयर है मेरा, और 971 में है मेरा शेयर। ठीक है, कितना? 100 शेयर लिया है ना आपने? हाँ, 100 100। ठीक है, तो 100 शेयरिंग ये हम ठीक करेंगे। 972 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, फिलहाल नुकसान यहाँ पर होता हुआ। अक्षय जरा बताएं, टाटा मोटर्स 972 की इनकी बाइंग है, कब तक जो है वो नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, सभी सेक्टर्स में रिसेंटली काफी पिटाई हुई है, और जिस दर पे अभी आज टाटा मोटर्स ट्रेड हो रहा है, वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों प्राइस लेवल्स पे एक बहुत ही अहम स्तर है। वो लेवल जो है सपोर्ट का, वो है करीबन 850 से 860 का रेंज। तो मेरा मानना है कि काफी ओवरसोल्ड है, सपोर्ट एरिया से आपको बिल्कुल एक बाउंस बैक मिल सकता है। तो एक फिलहाल तो एक ट्रेडिंग बाउंस बैक है, आगे जाके इस थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा कि बाजार संभलता है, स्टॉक संभलते हैं, रिकवरी रैली में कितना उछलता है, उसके बाद बड़ी तेजी की हम फिलहाल बात कर पाएंगे। तो मैं कहूंगा कि एट दिस पॉइंट आपको सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को होल्ड करना है, और वो स्टॉप लॉस बनेगा करीबन 840 का। तो 840 का स्टॉप लॉस बना के होल्ड करें। फिलहाल अगर रिकवरी आती है तो मेरा एक्सपेक्टेशन है 945 का, उसके बाद वापस एक बार प्राइस सेटअप को रिव्यू करना पड़ेगा।